कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, ये किसी की रोजी है। जब लॉकडाउन खत्म होगा, दुकानें खुलेंगी, तब भी जीवन अचानक सामान्य नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें खर्च करना है उनके भी जेबों से पैसा। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है, पापा है, मेरी वाइफ है, मेरा भाई है और बच्चे हैं। और कमाने वाले? कमाने वाला मैं हूँ और मेरी मम्मी है। अच्छा जी। और मेरा भाई है, पापा नहीं कमाते। कैसे ये काम हो पा रहा है आपका, चल पा रहा है? कितने दिन तक ऐसे चल पाएगा आपको लग रहा है? मैडम कह तो रहे हैं कि ये 30 मई तक, हमने सुना है 30 मई तक का है ये लॉकडाउन। तब तक आप भी हिम्मत अपनी जुटाए हुए हैं? जी जी मैडम, क्या करें, इतने दिन हमने काट लिए और थोड़े दिन काटने पड़ेंगे, क्या करें। ये भारत का नक्शा देखिए, जहाँ लाल रंग दिखता है वहाँ पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति रही है, और जहाँ स्लेटी रंग दिख रहा है वहाँ आंशिक लॉकडाउन या रात के कर्फ्यू की स्थिति। ऐसे में अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि छोटे छोटे कामों पर आश्रित लोगों की स्थिति क्या हो चुकी होगी। सेकेंड वेव की अर्थव्यवस्था पर असर के आकलन आना शुरू हो गए हैं। हालांकि हमारे पास अभी हम जो साल की पहली तिमाही है उसकी उसके शुरुआती 2 महीनों के करीब खड़े हुए हैं, पर जो तात्कालिक अनुमान है उस हिसाब से लगभग देश का 70% GDP अस्थाई लॉकडाउन के असर में है। जो हम पार्शियल लॉकडाउन देख रहे हैं सप्ताहांत में या वीकेंड के लॉकडाउन, और जो अब बड़े लॉकडाउन में बढ़ा दिए गए हैं। जो अलग अलग एजेंसियों के आकलन है उस हिसाब से हर महीने करीब 1.5 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के GDP का नुकसान हर महीने हो रहा है, और इसका असर हमें रोजगार, बचत और बाकी चीजों पर दिखाई दे रहा है। मन क्या कह रहा है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो? खत्म होना चाहिए, मतलब खत्म जल्दी भी ना भी हो, क्योंकि बीमारी से तो पहले बचना है। वो तो बाद में भी कमा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अभी तो मेरे हिसाब से तो 31 मई तक लॉकडाउन होना ही चाहिए। अभी हिम्मत बांध कर आप बस रहना। हाँ जी, समझे नहीं, अब सबसे पहले तो शरीर है ना, अगर शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अब जल्दीबाजी में क्या फायदा, दो रोटी कम खा लो बढ़िया, मतलब सेफ तो रहे ना। जानकारों ने भारत की अर्थव्यवस्था की जो मौजूदा तस्वीर बनाई है वो जनवरी महीने में वी शेप में रिकवरी दिखा रही थी, लेकिन अब अप्रैल बीतते बीतते ये यू शेप की हो चुकी है, जिसके एक तरफ कृषि है, दूसरी तरफ आईटी सेक्टर, एक तरफ के ढलान पर ऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरे ढलान पर ऑनलाइन सेवाएं। इन सब के बीच टैक्सी, ऑटो, रेहड़ी, खोमचे वाले कहां फिट बैठते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। वी शेप रिकवरी होती है जब हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेज गति से नीचे जाती है। इकोनॉमी के गिरने का क्या मतलब है? इकोनॉमी के गिरने का ये मतलब है कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो बिल्कुल डिक्लाइन कर जाती है, आप इनकम्स डिक्लाइन कर जाती हैं, जॉब्स डिक्लाइन कर जाते हैं, इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट हो रही है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो पिछले साल 2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया तब पूरी बिजनेस एक्टिविटी सस्पेंडेड थी, बंद थी। तो पहली बार पूरी इकोनॉमी में कोई काम नहीं हुआ, कोई जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्रीज बंद थी, और ये 2-4 दिन की बात नहीं है, 2-2 महीने बंद थी। तो आप सोचिए जो MSMEs थी, जो बड़ी फैक्ट्रीज भी थी, उन सबकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई थी।